जय राधे। जिस नाम से कट जाए जीवन की हर बाधा, वही उसी का नाम तो है मेरी श्री राधा। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे साथ एक बार बोलिए जय राधे राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सिंचन फैमिली राधे राधे। दोस्तों मेरे साथ एक बार बोलिए नूतन सकाल नूतन आलो, सबाई मिले थकबो भलो गुटी गुटी पाई, तुम्हारा सबाई हमार पास एगिए चलो। तो बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने आई हूँ, वो भी ब्लॉग वीडियो नहीं, ऐसी थॉट्स वीडियो। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ दोस्तों कॉमेंट्स कीजिएगा। और अभी बच्चे कैंपेनिंग में, आप लोगों को बताइए, इसलिए हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम पाए। घूम बच्चे रहने से भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अकेले बोरिंग होती घर में, अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा इधर उधर घूमने गए। उसी का फोटो आपके साथ शेयर किया, तो देख ही सकते हैं बच्चे जिस दिन कैंपेनिंग में गए उस दिन का फोटो ही है। अपने पापा के साथ गेट के सामने फोटो उठाया था। तो प्लीज़ ब्लेसिंग दम कि वो लोग अच्छे से अपना कैंपेनिंग ख़त्म कर सके और गोल्ड मेडल लेके घर में घुसे। आप लोग के आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जितने भी थॉट्स हैं ना, मुझे अच्छा लगता है, और ये जो थॉट्स हैं ना ज़िंदगी के साथ मिलता जुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह लालटेन में बत्ती जल रही हो, लेकिन अगर शीशा साफ ना हो और उस पर कालिक लगी हो, तो वे रोशनी किसी काम नहीं आती है। ठीक इसी तरह परमात्मा ने जो लो हम सबके अंदर जलाई है, परमात्मा ने जो लो हम सबके अंदर जलाई है, उसके बाद भी अगर हम अपने मन के कालिक, विकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली साफ नहीं करते हैं, तो वो लो हमें दिखाई नहीं देती जिस तरह लालटेन में बत्ती जल रही हो, लेकिन अगर शीशा साफ ना हो और उस पर कालिक लगी हो, तो वो रोशनी किसी काम नहीं आती है। ठीक इसी तरह परमात्मा ने जो लो हम सबके अंदर जलाई है, उसके बाद भी अगर हम अपने मन के कालिक, विकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली साफ नहीं करते हैं, तो वो लो हमें दिखाई नहीं देती। परिवर्तन देखिए। एक पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। दूसरा, पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रिन घर के बाहर करने जाता था। आम आदमी खाना बाहर से खाकर आता है और लैट्रिन अपने घर में करता है। तीसरा, पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। चौथा, पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। पहले आदमी
साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। आम आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। आम आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे कि कोई कुत्ता घर में ना घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं कि कोई आदमी घुस ना जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रिन बाहर करने जाता था। अब आदमी खाना बाहर से खा कर आता है, लैट्रिन अपने घर के अंदर करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है और साइकिल चलाने के लिए। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, जिंदगी में आगे बढ़ो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जय राधा कृष्णा। कोई जख्मों पर नमक छिड़कता है, कोई उनका मरहम बन जाता है, कोई छोड़ देता है बीच राह में, कोई मरते दम तक साथ निभाता है, कोई जज्बातों का मजाक उड़ाया है, कोई खामोशी भी समझ जाता है, कोई अपना होकर भी अपना नहीं बन पाता, कोई पराया होकर भी अपना बन जाता है। कोई जख्मों पर नमक छिड़कता है, कोई उनका मरहम बन जाता है, कोई छोड़ देता है बीच राह में, कोई मरते दम साथ निभाता है, कोई जज्बातों का मजाक उड़ाया है, कोई खामोशी भी समझ जाता है, कोई अपना होकर भी अपना बन ना पाया, कोई पराया होकर भी अपना बन जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ ना देना प्रभु कि किसी की दुख पे हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी के देख जल जल मरूं। ऐसा गान मुझे ना देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छलने लगे। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ ना देना कि किसी की दुख पे हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल जल मरूं। ऐसा गान मुझे ना देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि
कि लोगों को चलने लगे। जय राधा कृष्णा। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो जरूर आएंगे। सत्य के गाड़ी में बैठोगे तो कष्टों के जो स्टेशन है वो तो जरूर आएंगे। जय राधा कृष्णा। घर छोटा हो या बड़ा, अगर घर में मिठास ना हो तो आदमी तो छोड़ो, चींटियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर घर में मिठास ना हो तो आदमी तो छोड़ो, चींटियां भी नहीं आती। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। कभी हार मत मानो मेरे दोस्त, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। जय राधा कृष्णा। अगर आपकी पत्नी गुस्से वाली है तो इसका रिश्ते पर अच्छा और पॉजिटिव असर होता है। अगर आपकी पत्नी गुस्से वाली है तो इसका रिश्ते पर अच्छा और पॉजिटिव असर होता है। गुस्सेल बीवी का पहला फायदा ये है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती। गुस्सेल बीवी का पहला फायदा ये है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलने वाली अक्सर मीठी मीठी बातें करती है, जबकि जो महिला सच बोलती है उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। झूठ बोलने वाली अक्सर मीठी मीठी बातें करती है, जबकि जो महिला सच बोलती है उसे जल्दी गुस्सा आता है। इसीलिए अगर आपकी पत्नी गुस्सल है तो इस बात को समझिए कि वो आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी और ना ही किसी भी तरह की झूठ बर्दाश्त करेगी। जय राधा कृष्णा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। मगर जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। कभी भी लोगों के बातों में आकर अपने घर के लोगों पर उंगली मत उठाना। कभी भी लोगों की बातों में आकर अपने घर के लोगों पर उंगली मत उठाना, क्योंकि आजकल लोग जोड़ने का कम और तोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आजकल लोग जोड़ने का कम और तोड़ने का काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए कभी भी लोगों की बातों में आकर अपने घर के लोगों पर उंगली मत उठाना। अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। अगर फितरत हमारी सहने की नहीं होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की नहीं होती। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ों उसे बदल देती है। इंसान को कोई भी चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना कि उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती है। खोजा तो राजा जनक ने भी
सीता जी के लिए राजघराना था। खोजा तो राजा जनक ने भी अपनी सीता जी के लिए राजघराना था, लेकिन सारी उम्र सुख नहीं मिला, नसीब कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सारी उम्र सुख नहीं मिला, नसीब कोई बदल नहीं सकता। खोजा तो राजा जनक ने भी सीता जी के लिए राजघराना ही था। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। कभी भी किसी के ऊपर बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जो फिक्र करे उसकी हमेशा फिक्र करना। जो आपकी फिक्र करे आप भी हमेशा उसकी फिक्र करना। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। किसी का भी स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बड़प्पन वे गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। बड़प्पन वे गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थॉट्स कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा था वो भी बोलिए प्लीज़। और मेरे साथ ऐसे खड़े रहिए, कल फिर याद करके आ जाइए दूसरा अच्छा बुरा सच्चा थॉट सुनने के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा सबका मंगल करे।